और प्राथमिक एजुकेशन पर हम आज देख रहे हैं हिंदी की देवनागरी लिपि और हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है उसके विषय में आज चर्चा होगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से माना हुआ जाना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से हुआ माना जाता है? तो राज्य कौन सा है? तो राज्य है गुजरात। क्योंकि देवनागरी का जो नामकरण है वह विवादास्पद है। ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। गुजरात में नागर ब्राह्मण रहते थे, इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना था कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने के कारण वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया है। इसके अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसीलिए नागरी में देव शब्द आने के कारण इसमें देवनागरी जुड़ गया। देवनागरी लिपि की एक विशेषता होती है कि देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर, ये बायां तथ्य है और इधर दायां चलेगा, तो देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत ध्वनि होती है। देवनागरी लिपि में एक ही वर्ण के लिए केवल एक ही ध्वनि का संकेत चिन्ह बना होता है। देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। वह नाम क्या है? तो वह नाम है शारदा लिपि, क्योंकि शारदा लिपि नहीं थी। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है, विश्व की प्राचीनतम मानी जानी वाली लिपियों में कौन सी लिपि है जो सबसे प्राचीनतम है? तो है ब्राह्मी लिपि। विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है और यह लिपि वर्णमाला युक्त थी। वर्णमाला युक्त यह लिपि थी। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो नागरी लिपि का विकास जो हुआ है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि जो है, वस्तुतः ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा है वह गुप्त लिपि थी तथा कुटिल लिपि का विकास इसी से माना जाता है। तो प्राचीनतम में जो नागरी का कालांतर में परिवर्तन रूप देखने को मिलता है वह नागरी से देवनागरी लिपि में विकसित हुई है, तो ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके शिलालेख में हुआ? तो वह प्रयोग हुआ जयभट्ट के। जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले हुआ। गुजरात के राजा जयभट्ट ने सातवीं और आठवीं सदी में शिलालेख लिखवाया, जिस शिलालेख पर देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। वह सोपान क्या है? सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि या भावमूलात्मक लिपि। तो जो इसमें शुद्ध रूप है, सबसे पहले चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ, फिर सूत्र लिपि का प्रयोग किया गया, फिर प्रतीक लिपि लिखी गई, उसके बाद मनुष्य के अंदर जो भावनाएं हैं उन भावनाओं की लिपि यानी भावमूलक लिपि का प्रयोग किया गया। चित्रात्मक लिपि मतलब जो चित्र आदमी देखता था उसी अनुसार उसको छापता था, तो उस समय उस लिपि का प्रयोग हुआ। फिर धीरे धीरे सूत्र लिपि, फिर उसको प्रतीक बनाने के रूप में आया, फिर भाव के रूप में लिखा जाने लगा। तो सी ऑप्शन सही है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बंगला, पंजाबी, गुजराती या मराठी? तो जो भाषा लिखी जाती है देवनागरी भाषा में वह है मराठी। मराठी जो है देवनागरी भाषा में लिखी जाती है और देवनागरी की एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? तो है ब्राह्मी लिपि। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह नागरी लिपि में लिखी जाती है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? तो वह नांदेन नागरी। नांदे नागरी नाम है प्राचीन नागरी लिपि का दक्षिण भारत में। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास जो है कुटिल लिपि से हुआ है। किससे? कुटिल लिपि से।
प्राचीन नागरी का क्षेत्र जो था उत्तरी भारत था, किंतु दक्षिणी भारत में कुछ भागों में यह देखने को मिला कि जो दक्षिण भारत में कार्यविधियाँ हो रही हैं, लिपि लिखी जा रही है, इसका नाम नागरी न होकर के नंदिनी या नंदी नागरी था। और प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी जो गुजराती, महाजनी इत्यादि रूपों में आई तो यह विकसित हुई। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, साथ ही साथ एक ध्वनि के लिए एक संकेत का उसमें होना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो जो देवनागरी में विशेषता नहीं है वह है विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। क्या है? विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में कितने स्वरों और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ 11 मूल स्वर हैं प्लस 33 व्यंजन हैं प्लस 2 आगत शब्द हैं, आगत व्यंजन जिसे कहा जाता है, प्लस 2 अयोग्यवाह जिसे अंग अह के रूप में आप जानते हैं वह है। कुल मिला के 52 वर्णों को केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने स्थान दिया है स्वर व्यंजन के रूप में। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है, तो कितनी है? 11 है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघीय राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 343। कौन सा? 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। कब कहा गया था? 11 सितंबर 1949 को कहा गया था। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो स्वीकार किया है भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो अनुच्छेद है 344। 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो वह है अनुच्छेद 343। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो जो संसदीय सदन के अंतर्गत किया गया संगठन के अंतर्गत वह है अनुच्छेद 344। 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात संविधान लागू होने के बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग को गठन करेंगे। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा को प्रसारित करे, और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का रूप जो है अंतर्राष्ट्रीय रूपों में होगा। 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में शासकीय प्रयोजना की प्रमुख भाषा हिंदी रखेगा। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? तो वह है 343(1) के तहत। किसके तहत? 343(1) के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? वह 344(1) के अंतर्गत राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया?
तो 14 सितंबर 1949 का समय था जब हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत की राजभाषा केवल हिंदी है। क्या है? भारत की राजभाषा केवल हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? किसके संबंध में? हिंदी भाषा के विकास के संबंध में 351 अनुच्छेद में वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह भाषा हिंदी का प्रचार करे या प्रचार प्रसार बढ़ाए? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि हिंदी को प्रचार प्रसार बढ़ाना है? अनुच्छेद 351 यह दर्शाता है भारतीय संविधान के अनुसार कि संघ का यह कर्तव्य बनता है कि हिंदी भाषा के प्रसार प्रसार के लिए वह कदम बढ़ाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 29 नवंबर 1953 को हुई, इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी। साथ ही साथ नागरी प्रचारिणी सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद की स्थापना भी उसी वक्त की गई थी। किसके अनुसार? तो नागरी प्रचारिणी सभा के अनुरोध पर भाषा शास्त्रियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लिपि सुधार की स्थापना करे, तो लिपि सुधार परिषद की स्थापना की गई थी। बैठक कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। किसके अनुरोध पर लिपि सुधार के परिषद की स्थापना की गई? तो नागरी प्रचारिणी सभा के अनुरोध पर। कब हुआ था यह बैठक? 1953 में नवंबर महीने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।